फाइनली दोस्तों आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। सच्ची कहूँ मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि अब बताऊं कि कब बताऊं। मेरी फीलिंग्स को देख के, मेरी खुशी को देख के आप सब समझ ही रहे होंगे कि क्या घटना हो चुकी है मेरे से। तो भाई पूरे एक साल के बाद इतना ज्यादा सब कुछ झेलने के फाइनली आज हमारी YouTube की पहली पेमेंट आ चुकी है। थैंक यू सो मच गाइस, सच्ची राधा रानी जी की अपार कृपा से और आप सबका इतना ज्यादा लाड प्यार मिलने के बाद हम आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। YouTube ने फाइनली हमारी पहली पेमेंट हमें भेज दी है। मुझे सच्ची बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और एक तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में ये चीज पूरी हो चुकी है। मैंने सच में ऐसे सुनी ही थी हवा में कि ऐसे ऐसे करके YouTube चैनल होता है, पेमेंट्स आती हैं। जब स्टार्टिंग की थी तब तो बिल्कुल भी पेमेंट बारे कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे तुक्के से शुरुआत की और बस वो तुक्का ऐसा फिर जुनून चढ़ गया ना उस चीज का कि आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम कि आज हमारी पहली पेमेंट आ चुकी है। फाइनली ड्रीम था यार मेरा, ये सच्ची ड्रीम पूरा हो गया है मेरा। मेरे को सच्ची खुशी इतनी ज्यादा हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि कहूँ क्या और छोड़ू क्या। तो इसलिए एक दो शब्द यहाँ वहाँ चले जाए ना तो थोड़ा मैनेज कर ले, थोड़ी देर ऐसे शांत हो रही हूँ, फिर कोशिश कर रही हूँ कि ढंग से बोल पाऊँ। बट आप खुशी समझ सकते हो ना यार, जिस बंदे का मतलब इतने सालों से ड्रीम था यार मेरे, मेरे को खुशी सच्ची बड़ी ज्यादा हो रही है। और आप सब जानना चाहेंगे कि मेरी पेमेंट कितनी आई, जितना मतलब क्राइटेरिया होता है ना उससे उतनी आई, क्योंकि मैंने आप सबको तो पहले कहा था मेरे लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं तो उस वजह से मेरा क्राइटेरिया इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाया। और मैं एलिजिबल हो गई थी जून मंथ में, मैं एलिजिबल हो गई पेमेंट पाने के लिए, बट उस पेमेंट के क्राइटेरिया को पूरा करते करते लगा लो हिसाब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 8 महीने लग गए मुझे इसी चीज, इस क्राइटेरिया को पूरा कर। और फाइनली यार 8 महीने के बाद जब मतलब ये सब कुछ मतलब पूरा हो गया है ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। मुझे सच्ची पैसों से मतलब नहीं था, सब मुझे ऐसे पूछते थे कि कितने पैसे आएंगे यूट्यूब से तुझे, तू बड़ी लगी रहती है ऐसे वैसे। जी यार पैसे से मतलब नहीं है, बस एक बंदे का दिल होता है ना, ड्रीम होता है एक, नहीं ये चीज अब लोगों ने कह दिया है कि मतलब पहले मेरा ना इतना जुनून नहीं था इस चीज का, बट जैसे लोगों ने हवाएं बनाई ना मेरे बारे में कि ये ऐसा काम करती है, मतलब इतना चीप काम समझा ना इस काम को, मतलब लोगों के सामने मतलब ऐसे कैमरे में वीडियो बनाना बड़ा चीप काम समझते हमारे यहाँ पे ना। लोगों ने खूब बातें की अपने रिलेटिव वगैरह वगैरह और कुछ आसपास के आस पड़ोसी और कुछ दूर दराज के भी, बट फाइनली मेहनत रंग लाई, मुझे खुशी तो बहुत हो रही है। बस अब मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे लोगों ने जो मर्जी कह लेना, मैं तो अब नहीं हारने वाली। मैंने आज ये प्रूव करके दिखा दिया है कि भाई जिस काम में लगोगे ना, अच्छा काम है ना, एक दिन रिजल्ट आपको देगा ही देगा। 8 महीने के बाद यार मैंने कर लिया, तो भाई आप भी कुछ भी कर सकते हो, बस किसी की बात नहीं सुननी है, बस अच्छे काम को चुनो और उसे उसमें इतना खो जाओ ना कि उसके बारे में कोई लाख बुरा कहे, तुम्हें लाख गालियां देना, बस ऐसे सुननी और ऐसे निकाल देनी। दिल पे तो बहुत चुभती थी, थोड़ा भी मुझे बहुत आता था यार ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया। मतलब पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी, देखो मेरे शब्द आज ना ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लडुल जा रहे, समझ लेना आज मेरी बात। पहले ब्लॉगिंग करती थी क्योंकि पता नहीं था ना चीज क्या है, ये किस चीज पे फोकस कर। मैंने पहले गेम्स खेली, ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग महाबेकार की मैंने, आई नो। तो ऐसे करते करते भटकते भटकते पता नहीं मास्टर शेफ पता नहीं क्या क्या किया, देख लेना आप मेरी हिस्ट्री भी जाके, मतलब थोड़ा पीछे जाके। तो ऐसे ऐसे भटकते भटकते फाइनली मुझे मिले अपने नेचर की इतनी प्यारी सी चीज, मेरे फूल पौधे, मतलब इन्होंने मुझे इतना आगे पहुंचा दिया ना यार, जहां तक मैंने कभी सोचा नहीं था हो पाएगा। और सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे से गेन हो, मिलियंस में व्यू भी आए एक वीडियो। माड़ी मोटी गाल नहीं है, थोड़ी थोड़ी पहाड़ी निकल रही है क्योंकि मैं वही पहाड़ी क्षेत्र से ना, तो सच्ची मैं तो बड़ी खुश हूँ यार। और अब आप सभी ये मत पूछ रहे कि कितनी पेमेंट मिली है, तो $100 मिला है मुझे क्योंकि मैं उससे आगे कर नहीं पाई और कुछ टैक्स लगता है, तो $102 बने थे तो उसमें कुछ टैक्स लग गया मेरा, पर जो मिला है ना आई एम वेरी 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 हैप्पी। ये मेरे लिए ना करोड़ों
लाखों करोड़ों से भी ज्यादा ये चीज, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने काफी बातें सुनी है और मैं जस्ट लोगों को प्रूफ करना चाहती हूँ भाई कोई काम ना गंदा नहीं होता है। इतना तुम लोग बना देते हो बातें कर कर, कभी शांति से इंसान को अगर कोई काम करने दे ऐसे अच्छा हो यार। लोगों ने बातें, उन्होंने बातें बनाई, फिर मेरे अंदर जुनून छा गया, नहीं तो इतना जुनून कभी आने नहीं। तो इतनी गर्मी में लग रही थी छत पे पता है, और अब भी सर्दियों में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फिर भी जुनून था करने का, वही करना तो करना है, करना तो करना। बस उसी जुनून ने और उसी उन्हीं लोगों की बातों ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। तो थैंक यू सो मच टू माई ऑल रिलेटिव, ऑल आर पड़ोसी एंड ऑल दूर दराज के लोग, अपने बहुत अच्छे से मेरा हुनर को बिगाड़ा, फिर मैंने अपने हुनर को पहचाना और फाइनली राधा रानी जी कितनी कृपा हुई कि फाइनली वो दिन आ ही गया। कोई खुशी तो बहुत देख लिया, अब पौधों का रूप भी देख लो, पौधे भी बहुत खुश है इस चीज से। तो बारिश हुई थी ना उसके बाद, अब स्प्रिंग वगैरह मतलब मॉनसून तो नहीं यार, कौन सा मौसम होता है, बसंत ऋतु चली, मतलब पतझड़ तो नहीं कह सकते, पतझड़ तो चली यार। मतलब हमारे यहाँ पे पता क्या कहते हैं, पुंगर पोरी है ना, पुंगर पोरी मतलब नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, पेड़ को भी देख लो वो पेड़ लगा हुआ है ना, कहाँ गया वो, तूत का पेड़ है, तूत का। वैसे ही मेरे पौधों में भी ऐसी बहुत सारी शूटिंग्स निकल रही है, मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं 3 दिन के बाद गार्डन में आई और 3 दिन के बाद जब ये नजारा देखो तो मुझसे रहा नहीं गया, और आप सबको भी शॉर्ट में दिखा दिया था मैंने, पर चलो अब लॉन्ग वीडियो में भी इनका नजारा देख लो। आप सभी मेरे क्यूट से नेस्टोरियम को देख लीजिए, देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, एकदम दमदार सा ये प्लांट। इसे आप कटिंग से लगा लीजिए, जड़ों से लगा लीजिए, बीजों से लगा लीजिए, लग जाता है। और मेरे को ना सबसे शॉकिंग चीज ये लगी कि 3 दिन के बाद इतनी अच्छे से ग्रोथ होगी ना इन गुलाब की कटिंग की, सच्ची मेरा दिल ना खुशी हो गया यार। मुझे बम्पर वो लगे, ऑफर लगे हैं तो ना, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, बस वही ऑफर चला आज मेरे गार्डन मेरी लाइफ में। ये देखिए जिनकी मैंने कटिंग की थी उन्होंने कुछ ऐसा रंग दिखाया, मुझे काफी प्यारे लगे। और बाकी भी मेरी गुलाब की जितनी भी कटिंग है ना वो कुछ ऐसे ही ग्रो कर रही है। और बाकी देख लीजिए ऐसे चलते चलते ये लाइनर प्लांट भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये रही हमारी एक और गुलाब की कटिंग जिसमें ढेर सारी पत्तियां आई। और दोस्तों साथ में ही देखिए ये मेरे एनुअल क्रिसेंथमम के प्लांट, इनमें तो यार इतनी जल्दी ग्रोथ होगी ना, मुझे समझ नहीं आया इनको हुआ क्या, मैंने इतने इतने से छोड़ के गई थी और 3 दिन के बाद देखा तो इतनी ज्यादा ग्रोथ, पत्ते ऐसे बढ़ते 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 चले जा रहे। चलो अच्छी बात है यार, वैसे थे ये विंटर फ्लावर प्लांट अभी भी काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, चलो जब तक चलेंगे हम चलाएंगे। और ये वाले भी काफी छोटू से थे और इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छे से, और ये वाले भी काफी छोटू थे और अब इनके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे। और ये वाले भी देख लीजिए, और ये देखिए हमारे डेयर कैल्यूंडुलाज, इनकी ग्रोथ देखो यार, ऐसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और जो मैंने सेपरेट में लगाया था ना ये वाला देखो एनुअल क्रिसेंथमम, इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से चली यार। और ये मैंने प्याज लगाए हैं, और भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये जो डेलिया मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और सबसे खुशी भरी बात ये देखिए, हमारे नेस्टोरियम में बिल्कुल अलग सा रंग का नेस्टोरियम खिलने वाला है, कल तक खिल जाएगा, ये बहुत प्यारा लगने वाला है। और देखिए आप सभी पूछते रहे थे कि एक पॉट में इतने सारे प्लांट्स क्यों लगा, तो मैंने ना पहले यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए थे, वो विंटर फ्लावर सीड्स वाले जो ग्रो हुए थे ना वो, तो पॉट खाली लग रहा था, ये लगा दिए अभी। अब देखो ये फ्लावरिंग करने लग, और जब तक ये बड़े होंगे तब तक इसने अपना काम कर दिया, और जब ये मर जाएगा तो ये बड़े हो जाएंगे, इसी तरह से हमारा पॉट भी पूरा भरा भरा रहे, खाली भी नहीं लगता और पॉट की सुंदरता भी बरकरार रहती। साथ में ये वाले जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए गए नेस्टोरियम की है, और ये वाले जो आपने देखे घर में ही पैदा हो गया था, मतलब कि ये ना पहले से लगा हुआ था मेरे गार्डन, मैंने कहीं से खरीदा, तो पिछले साल इसका बीज गिर गया था तो फिर ये खुद ब खुद ग्रो हो गया। बहुत ही सुशील प्लांट है ये, और इसके आस पड़ोसी भी कुछ ऐसे ग्रो हो रहे हैं। और ये वाला जो मेरा गेंदे वाला प्लांट है ना, इसकी कंडीशन देखना, ये ऐसे मोर पंख की तरह ना आधा आधा खुला है ये, मतलब आधा खिला है ये और आधा रह गया है, और फुल कुछ ऐसा लगता है। और आइस प्लांट की ग्रोथ ना बहुत धीरे धीरे हो रही है यार, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, इनको मैं जल्दी जल्दी बड़ा करके इनका रिजल्ट देखना चाहती हूँ, पर ये टीट है भाई। तो ये वाला देख लो भाई, मेरा डेयर टाइंथस प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो रही है ना, कटिंग कर दी थी मैंने ना इसलिए, बाकी कटिंग्स अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। और ये रहे हमारे, बस नाम भूल गई खुशी है ना आज मुझे, इसलिए नाम भूल जा रही हूँ। और यार हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही है, उसकी वजह से फिर से गिरने वाला था, इसलिए मैंने अटैच कर दिया। और ये कटिंग का रिजल्ट देख लो, और ये ढेर सारे मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए गए प्लांट, और बाकी ये जनता पार्टी कुछ ऐसे है। और ये देखिए घर में पैदा हुआ हमारा नेस्टोरियम। और दोस्तों आज मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है हमारे नए मेहमान को, स्नेक प्लांट को। ये मैं कहीं से खरीद के नहीं लाई, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था ना, मैं गई थी अपने रिश्तेदारों के घर और वहाँ यहाँ बात आग जाग कर रही, मुझे खेतों में मिले, ये खेतों की जो बाउंड्रीज होती है ना वहाँ पे ढेर सारे लगे हुए थे, तो पूरे में 3-4 लेके आई। तो ये देखिए
मैंने हर जगह इनको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से लगा दिया है। और सच में हर एक प्लांट की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। फ्लावर्स तो नहीं खिलते बट डैम श्योर इनको लगाने के बाद ना एक अलग सी खूबसूरती का एहसास हो रहा है मुझे। और बाकी ये देख लीजिए भाई हमारे डियर गेंदाज, और ये जो मैंने लगाए थे अपने छोटे छोटे प्लांट्स, इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। और ये उस दिन दिखाई थी ना मैंने आपको, सिंगल सिंगल पत्तियां थी इनकी, और अब देखिए उन्हीं सिंगल पत्तियों से 3 दिनों में इतनी अच्छी ग्रोथ, वाह भाई वाह। बाकी ये देख लीजिए, और ये रहे हमारे गजेनिया का प्लांट जो कि अभी धीरे धीरे करके चल रहा है, अप्रैल में इसके फूल आ जाएंगे। और ना आज मैं इसका काम करने वाली हूँ, इसे यहाँ से निकालने वाली हूँ क्योंकि ये ओवरडेट हो चुका है और ये मेरी गार्डन की बदसूरती को बढ़ा रहा है। हाँ जी, क्योंकि ये मुरझा चुका है। और ये देखिए ये जो प्लांट्स है ना ये भी डाइंथस के हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये अलग वैरायटी के होने चाहिए, मतलब इनका रंग रूप ना अलग होना चाहिए। पिंकिश कलर के तो मेरे पास बहुत सारे हैं। और ये देखिए जो हाइब्रिड कटिंग्स लगाई थी ना मैंने, वो मामू के घर से लाई थी, आप सब ने कहा था नहीं लगेगी नहीं लगेगी, तो देख लो लग गई लग गई। तो ये भी कटिंग ही है, ये भी कटिंग ही लगाई हूँ मैंने। बड़ी खुशी होती है यार जब हमारी छोटी छोटी चीजें हमें इतनी खुशी देती है। सबसे ज्यादा खुशी पता है किस चीज से, जब आपका मन पसंदीदा काम आपको ना रिजल्ट तक ले जाता है, मतलब उसका जब परिणाम आता है, अच्छा परिणाम आता है ना, तो चाहे वो परिणाम छोटा सा भी हो फिर भी इतनी ज्यादा खुशी होती है ना कि लगता है बस सब कुछ मिल गया, अब जिंदगी में और चाहिए क्या। बस यही खुशी मैं अपने जीवन में बरकरार रखना चाहती हूँ, इस खुशी में को मैं कभी भी नहीं खोना चाहती। इट्स लाइक अ बिग सुकून फॉर मी। ये थी मेरे फूलों की दास्तां और साथ में मेरी दास्तां। और नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी मीशो समर फ्लावर सीड्स की आते उनकी अपडेट दूंगी, क्योंकि मैंने भी उनको काफी टाइम से नहीं देखा। जब उस दिन बारिश लगी थी तब उठा के उनको मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने अभी तक उनको नहीं देखा। बस आज उन्हीं की जांच पड़ताल करनी है कि जिंदा जिंदा है कि वो चले गए हैं। और बाकी आप सबका बहुत 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 ज्यादा वाला धन्यवाद। बस दोस्तों अपनी ऐसी कृपा, अपना ऐसा साथ मेरे साथ बनाए रखना, आपने सच्ची बहुत ज्यादा साथ दिया और मैं चाहती हूँ कि ये साथ कभी छूटे ना कभी टूटे, और आप सभी ऐसे ही मेरे साथ रहे और मैं आप सबके साथ ऐसी जुड़ी रहूं। ऐसे करते 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 हम बहुत आगे जाएंगे, आप मुझे बहुत आगे लेके जाओगे, मुझे आप सब पे पूरा पूरा यकीन है। अभी बहुत जल्द हमारे 27,000 सब्सक्राइबर भी हमने कम्प्लीट कर, डेली डेली अच्छे से अच्छे जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी मेहनत करूं। बस अपना आशीर्वाद अपनी दया कृपा मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना, और राधा रानी जी की तो कृपा है ही, इस मुकाम पे पहुंची हूँ मैं कि आप सब अपना साथ बनाए रख। बाकी आप सभी को जय श्री राम। और आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है और आप उससे करना चाहते हैं बट आपके आस पड़ोसी आपके रिलेटिव्स आपके कोई भी आपको रोक रहा है और वो काम बहुत अच्छा है और आपकी दिलचस्पी भी, डैम श्योर उस काम को कीजिए, इतनी लगन से कीजिए, इतनी मेहनत से कीजिए जिसने कभी किया ही ना हो, मतलब जैसा किसी ने कभी किया ही ना। फिर देखना आप सभी रिजल्ट पे फोकस मत करना, जहाँ 8 महीने बाद मैं इतना इंतजार कर सकती हूँ, तो भाई आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में भी काफी ज्यादा गट्स हैं। तो अपने आप पे यकीन रखिए और भगवान जी पे भी यकीन रखिए, बस सब ठीक ठाक होगा। फिर जैसे मेरे साथ हो रहा है और मेरे इस पौधे के साथ हो रहा है, देखो कैसे हिलडुल रहा है ये भी, बस तो सारे खुशी से झूम रहे हैं। ये भी देखो ये भी झूम रहा है और भी झूम रहे हैं, मैं भी झूम रही थी थोड़ी देर पहले। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और आप सभी को मिलते हैं कल नहीं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।